राइट हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। मेरा नाम है सार्वेंद और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहाँ मैं मैनिपुलेशंस डालता हूँ, फोटोशॉप से क्रिएटेड, पिक्सआर्ट से क्रिएटेड, जैसे भी होती हैं सबके पीएनजीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियोस के ट्यूटोरियल के नीचे। और ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो बायो में लिंक है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं और ईजिली सारी पीएनजीज डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे अराउंड 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, सो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी फ्री में पा सकते हैं पीएनजीज। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं एडिटिंग के थ्रू। सो बहुत ही सिंपल है, 3 से 4 स्टेप हैं जो मैं बताऊँगा और आपको करने होंगे और जस्ट आप कस्टमर्स गेन कर जाएंगे और आप भी पैसा कमाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है, आपको एक फोलियो या पोर्टफोलियो क्रिएट करना है अपनी फोटोज़ का। लाइक 6 to 8 है, जैसे मैं डेमोंस्ट्रेट करता हूँ अभी। सो जब आप ऐसा एक फोलियो क्रिएट कर लेंगे तो ये आपको कस्टमर को भेजना होगा। जब आप कस्टमर को भेजेंगे तो वो आपका वर्क देखेगा, उसे पसंद आएगा कि हाँ इस लड़के में कैलिबर है या ये मेरा काम कर सकता है। अगर ऐसी फीलिंग क्रिएट होगी या उसे लगेगा यार ये करता दासू एडिटिंग और इस जैसा कोई एडिटर नहीं है, यार जब वो मान लेगा ना आपको तब वो आपको पे भी अच्छा करेगा। सो सेकंड पॉइंट आता है कि आपको कस्टमर कैसे मिले। अब कस्टमर्स ढूंढने के लिए आपको मैं 4 पॉइंट बताऊंगा और वही 4 पॉइंट बहुत वैलिड होंगे। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड सर्कल। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में ही ढूंढना होगा कि जो आपसे फ़ोटो एडिट कराएं, उनसे पूछो अगर उनको एडिट है नीड की, कोई आपके थ्रू आउट फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, लाइक फ्रेंड सर्कल में ही अर्निंग स्टार्ट होती है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं फ्रेंड सर्कल में भी अर्निंग बहुत अच्छी करता हूं। सो फ्रेंड सर्कल बहुत मेन होता है, आप कभी उसे इग्नोर ना करें। वहां से आपको बेस या स्टार्ट बोल सकता हूं मैं, आपको स्टार्ट अर्निंग वहीं से मिलेगी। सेकेंड है इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। लाइक मैं PEC करता हूं, फ़ोटो एडिटिंग कॉम्पिटिशन, आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है जिसने वो कंपटीशन देखा और उसमें आपकी फ़ोटोज़ किसी को पसंद आई तो यार वो भी सेलेक्ट कर सकता है। और मैं यहाँ कोई PEC का प्रमोशन नहीं कर रहा कि आप उसी में पार्ट लो, आप बहुत सारे वेरियस एडिटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उनमें जा सकते हो और आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर या आपको कोई भी मर्चेंट या कुछ कोई भी लोग मिल जाएगा। मर्चेंट लाइक सही टर्म नहीं है, कोई भी मतलब आपको मिल जाएगा पर्सन जो आपको स्पॉन्सर कर देगा, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप इवेंट विन करते हो तो कंपनीज हायर कर सकती हैं आपको, सो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है पब्लिश योर वर्क। अगर आप अपना काम कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिहेंस, लिंक्डइन कहीं पे भी नहीं डालते हो तो यार आपको कोई सर्च नहीं कर पाएगा, और जब तक सर्च नहीं कर पाएगा तो लोग आपको देख नहीं पाएंगे। सो हमेशा अपने आर्ट वर्क या जो भी क्रिएशन आप करते हैं उसे पोस्ट करें कहीं पे, और बहुत अच्छी जगह पोस्ट करें जहां आपको लगे कि हाँ मेरी यहाँ ग्रोथ हो सकती है, लाइक इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है। फोर्थ तरीका है कि आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम बूस्ट प्रमोशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा बूस्ट प्रमोशन आप स्टार्टिंग में करें, थोड़ा ग्रो अप होने के बाद आप बूस्ट प्रमोशन यूज़ करें, उससे आपको अच्छे बेनिफिट्स और रिजल्ट्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है अट्रैक्टिव प्राइस। अगर आपका प्राइस अट्रैक्टिव नहीं है तो लोग आपके पास आएंगे नहीं। अगर मैं एक फ़ोटो का बोलूँ मुझे 10,000 चाहिए तो कोई मुझे आगे पे नहीं करेगा 10,000। लाइक मुझे एक अट्रैक्टिव प्राइस ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां लोगों को मेरे से अट्रैक्शन होए कि हाँ यार इतने में मैं करा सकता हूँ एडिट। लेकिन हमारे एडिटिंग लेवल का इतना स्टैंडर्ड गिर गया है कि यार वो लोग 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये में एडिट कर रहे हैं। सो यार इसके तो मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ और स्टार्टिंग से ही अगेंस्ट हूँ कि आप 50 रुपये में कैसे एडिट कर सकते हो। जब यार मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जब तक आप अर्निंग नहीं करोगे अच्छे से, लाइक आप अपनी आंखें दे रहे हो, अपना लैपटॉप दे रहे हो किसी को, आप अपने विज़न को, जब अपने माइंड को पूरा यूज़ करके कंसेप्ट दे रहे हो उन्हें, सो आप कैसे उसे 50 रुपये में बेच सकते हो। अगर आपको ये बात गलत लगती है तो ज़रूर कमेंट डाउन करना और जस्टिफाई कर सकते हो कि यार आपको क्यों सही लगता है कि 50 रुपये में एडिट होनी चाहिए। सो मेरी एक राय है, अगर आपको क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है अपनी फ़ोटोज़ की तो आप कम
एडिट करो फोटो, लेकिन अर्न ज़्यादा करो। सो इससे आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, और जब क्वालिटी बढ़ेगी तो लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे। फोर्थ पॉइंट है लॉयल्टी। सो यार लॉयल्टी कैसे मिलती है? एक लॉयल्टी कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, या कोई आपको दे नहीं सकता लाके। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट के अंदर रह के खुद अर्न करनी होती है। लाइक लॉयल्टी आप गूगल रिव्यूज़ से देख सकते हो कि किसी के बारे में लोग क्या रिव्यू करते हैं। जैसे हम अमेज़ोन पे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसके 10 रिव्यू चेक करते हैं, ये कैसा सेलर है, ये कैसा प्रोडक्ट है। तो हमारे बारे में भी कहीं रिव्यू होना चाहिए। लाइक गूगल पे आप अपना रिव्यू डाल सकते हो, लोग लाइक अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो और लोग उस पे रिव्यू डालेंगे तो आप वहाँ से रिव्यू पढ़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप Q&A करके रिव्यूज़ ले सकते हो। सो रिव्यूज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड लॉयल्टी, लाइक आप जब तक किसी को फेथफुल वर्क नहीं करके दोगे या वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, हिचकिचाएगा कि यार मैं इसे पेमेंट नहीं कर सकता, कहीं ये फ्रॉड ना कर दे मेरे साथ, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के हमेशा लॉयल्टी को सही रखें अपने। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि लॉयल्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत सपोर्ट करेगा। थैंक यू गाइज, इस वीडियो को यहाँ मैं रैप अप करता हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना और लाइक करना, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपको अच्छा लगता है, या वो ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।